गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम लोग मोलेरिटी के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो मोलेरिटी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोलेरिटी को कैसे डिफाइन किया था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उस चीज को हमने बोला था मोलेरिटी। देन हम लोगों ने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मोलेरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है। इस चीज को हमने बोला था मोलेरिटी। देन हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलेरिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास मोल्स का एक और फॉर्मूला आया था। तीन फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, और ये जो हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, केवल सॉल्यूशंस के केस में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था मोल्स का। अगर यही वॉल्यूम जो है तुम्हारे पास, अगर हम ml के अंदर लें, तो ये जो मोल्स है वो किसके अंदर, हम लोग ये मोल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, मिली मोल्स, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। एक काम करते हैं आज के क्लास में, और आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मोलेरिटी, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ 10 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ 10 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ 10 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक काम करो, खुद से सॉल्व करो। चलिए देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, यूरिया का सॉल्यूशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब तुम्हारा यूरिया यहां पर क्या है, सॉल्यूट। यूरिया क्या है बेटा, हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कौन लेकर के, किसको लेकर के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट वॉटर को हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, सॉल्वेंट। देन पूछा है मोलेरिटी, मोलेरिटी का यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना गिवन है, 10 ग्राम, और सॉल्यूट कौन है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होता है, NH2CO NH2, बराबर है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा यहां पर बेटा, सारा का सारा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम। कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 60 ग्राम। मोलेरिटी पूछा है, चलिए देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम, 10/60। ये आ गए सॉल्यूट के मोल्स, यूरिया के मोल्स आ गए। नीचे में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना गिवन है, 200 ml। वॉल्यूम किस में गिवन है, ml के अंदर। उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए आगे, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहां पर ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास क्या बचा, 5/6, बराबर है। तो ये तुम्हारे पास आ गया मोलेरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2.5 मोलर प्रेजेंट इन 2.5 मोलर एंड 500 ml सॉल्यूशन, एंड 500 ml सॉल्यूशन। खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। क्या बोला है, मास पूछा है H2SO4 का, किसमें, 2.5 मोलर है। इसका मतलब क्या है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था,
मोलर वर्ड यूज किया है, इसका मतलब मोलेरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, बराबर है कि नहीं। 2.5 मोलर बोला है तो तुम्हारे पास मोलेरिटी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मोलेरिटी इज 2.5, बराबर है, ओके। देन तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना गिवन है बेटा, 500 ml, वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, और मास पूछा है H2SO4 का, मास ऑफ H2SO4 ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे H2SO4 के लिए, देखो तुम्हारे पास मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर है, ये किसमें, लीटर में, ठीक है। यहां पर मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मास पूछा है क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब हमको जो पूछा है वो यहां पर है, बराबर है कि नहीं, और बाकी सारी चीजें पता है, तो यहां पर मास ऑफ H2SO4 हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इधर में लेकर के जाइए कितना होता है, 98 ग्राम, तो 98 इंटू मोलेरिटी इज 2.5 को मैं क्या लिख दूं, 5/2 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, तो 500 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। इसको आगे सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 20 से 20 उड़ गए, ये तुम्हारे पास 2, तो 598 इंटू 5/4, बराबर है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, 49 इंटू 5/2, ठीक है। अब इसके आगे जो भी वैल्यू आएगा तुम्हारे पास उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहां पर लास्ट में ग्राम लगा दिया, मास आ गया ग्राम के अंदर। चलिए एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, उनको सोल्व करिए। चलिए देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करिए, पॉज करके सोल्व करो, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वॉटर, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका मोलेरिटी कैलकुलेट करना है। यहां पर सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है बेटा, 360 ग्राम, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, C6H12O6, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली, वो कितना दिया है बेटा, 1 लीटर, ठीक है। अच्छा पूछा है मोलेरिटी, मोलेरिटी सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा, यहां पर मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है कि नहीं। आगे देखिए मोल्स निकालने के लिए यहां पर हमको मास दिया है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16, सबको ऐड करो, ये कितना आएगा, 180, ठीक है। तो मास कितना गिवन है, 360 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना, 180 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है, 1, तो यहां से सॉल्यूशन का मोलेरिटी कितना आ गया, 2 मोलर सॉल्यूशन। तो ये था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 5 mmol/200 ml, यहां पर अभी डायरेक्टली मिलीमोल्स दिए हैं, तो मोलेरिटी निकालना है, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास n/V, n ऑफ सॉल्यूट बाय v, ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। अगर ये वॉल्यूम को हम ml में लिखें, तो ऊपर में मोल्स अगर मिली, तुम्हारे जो ऊपर n है वो अगर मिली मोल्स हो, तो ये भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि n = m × v in ml, तो उस वक्त ये जो n है ये किस चीज को बताता है, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किस चीज को बताता है, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी को अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो तरीका है हमारे पास उसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 mmol, तो बेटा उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5 × 10⁻³ मोल्स, मोल्स के अंदर मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितने हो गए, 5 × 10⁻³ मोल्स। वॉल्यूम क्या गिवन है, 200 ml,
इसको भी किस में कन्वर्ट कर दें, लीटर में, तो 200 बाय 1000, तो ये कितना आ गया बेटा 1/5 लीटर। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 1/5 लीटर, ऊपर में गया 5×5 = 25 × 10⁻³ मोलर, बराबर है। और इसको आगे सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 0.025 मोलर, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट में हमको क्या है, डायरेक्टली मोल्स गिवन है और वॉल्यूम है। फिर से फॉर्मूला यूज करो, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं 5 मोल्स, वॉल्यूम कितना है 2000 ml, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें, लीटर में। ये लीजिए 5/2 मतलब 2.5 मोलर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे मोलरिटी कैलकुलेट करने के। अब एक काम करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले इसको फटाफट नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH required टू न्यूट्रलाइज, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ H2SO4 हैविंग 500 ml वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी सॉरी मोलरिटी ऑफ NaOH भी तुमको गिवन है, वो है मान लीजिए 0.2 मोलर। मोलरिटी ऑफ NaOH तुमको गिवन है कितना 0.2 मोलर, यह है तुम्हारे पास मोलरिटी ऑफ NaOH। थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, बस वहां पर हमने मोलरिटी का यूज नहीं किया। देखिए कैसे करना है, क्या बोला है कि H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, बराबर है, यह बात पूछा है। और H2SO4 का जो सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी दिया है वो कितना गिवन है बेटा, तुम्हारे पास बोला है डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो डेसीमोलर है, इसका मतलब यहां पर हमको H2SO4 का मोलरिटी, याद करो लास्ट क्लास में बताया था 1/10 मोलर मतलब डेसीमोलर, तो मोलरिटी कितना गिवन है 0.1 मोलर। एंड वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास H2SO4, यहां पर इसका वॉल्यूम भी कितना गिवन है 500 ml, बराबर है। और NaOH का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है यह बात पूछी है, मोलरिटी ऑफ NaOH वो गिवन है 0.2 मोलर, बराबर है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले H2SO4 एक एसिड है, NaOH एक बेस है, बराबर है, एसिड बेस रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। सोल्ट बनेगा साथ में वॉटर, सोल्ट क्या बनेगा बेटा Na2SO4+H2O, रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो तुम्हारे पास ये 2NaOH ये 2H2O, बराबर है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर इसका वॉल्यूम पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने LR की हेल्प से किए थे, बराबर है कि नहीं। LR जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको हमने कैसे सोल्व किया था, कि यहां पर कि NaOH को तुम्हारे पास न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का कितना मोल्स रिक्वायर्ड है, उसका कितना मास रिक्वायर्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यहां पर बस क्या है, क्वेश्चन में मोलरिटी एक एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व कर लिया है, तो ऐसे में कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा पहले का जो मेथड था एज यूजुअल उसी के तरीके से जाना है। क्या करना है, सबसे पहले मोल्स निकालने हैं, क्या करना है सबसे पहले मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ H2SO4, यहां पर मोल्स ऑफ सबसे पहले H2SO4 कैलकुलेट करिए,
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से, मोलरिटी कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है H2SO4 का 500 ml बाय 1000, तो ये कितना आ गया बेटा 0.1/2 मतलब 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मोल्स ऑफ NaOH निकालें, वो कितने होंगे, उसका मोलरिटी कितना गिवन है बेटा 0.2, वॉल्यूम नहीं मालूम, मान लेते हैं V वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस रिएक्शन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि एक मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल NaOH का रिक्वायरमेंट होता है, हाँ है ना, पहले पढ़ा हमने ये चीज, क्या एक मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल्स NaOH का जरूरत है, 2 मोल NaOH का, तो 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4 को, एक मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल्स का जरूरत है, तो 0.05 मोल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, 2 × 0.05 मोल्स ऑफ NaOH, और ये किसके बराबर होने चाहिए, यहां से जो मोल्स हमने कैलकुलेट किए, तो यहां से वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 2 से, देखो ये पॉइंट मैंने उड़ा दिया यहां से, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया बेटा 5/10 मतलब 1/2 लीटर, वॉल्यूम कितना आ गया यहां पर, ये वॉल्यूम 1/2 लीटर, तो ml के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 500 ml। ठीक है, तो ये था हमारे पास, तो क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस यहां पर एक्स्ट्रा टर्म दिया रहेगा मोलेरिटी का, ऐसे क्वेश्चंस में हमको कुछ भी नहीं करना है, जैसे एज यूजुअल हम लोग LR के तरीके से करते थे, LR वाले जो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे उस टाइप से हम लोग को यहां पर करना है। तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने, ठीक है, मोलेरिटी दिया हो वॉल्यूम दिया हो तो हमको मोल्स के तरीके से जाना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और मोल्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट 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 द वॉल्यूम ऑफ NH3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड एट STP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड एट STP इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं तुम लोगों को रिएक्शन लिख करके दे रहा हूं, रिएक्शन क्या है बेटा, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, इससे क्या बन रहा है Na2SO4 प्लस NH3 प्लस H2O, ये रिएक्शन है तुम लोगों को गिवन है, रिएक्शन को चलो ये बैलेंस भी कर दिया मैंने, ये 2H2O, अब रिएक्शन क्या है पूरी की पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन है। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड एट STP, इसके बारे में पूछा है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, NH4 होल ट्वाइस SO4 का मान लीजिए मोलेरिटी गिवन है, मोलेरिटी इज 0.1 मोलर, एंड वॉल्यूम ऑफ NH4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस SO4 का जो वॉल्यूम हमने यूज किया वो भी तुमको गिवन है 200 ml, एंड NaOH का मोलेरिटी गिवन है कितना 0.5 मोलर, एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 100 ml। ठीक है, तो अगर हम लोग देखो यही सब क्वेश्चंस को क्या होता है लेबोरेटरी के अंदर कैसे करते हैं कि एक ऐसे बीकर लिया हमने, क्या करेंगे, एक बीकर लिया हमने उसके अंदर NH4 होल ट्वाइस SO4 को लिया, दूसरा हमने बीकर लिया इसमें हमने किसको लिया NaOH को, एक बीकर में हमने क्या लिया NH4 होल ट्वाइस SO4 को लिया, बराबर है कि नहीं, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया और तुम्हारे पास इन दोनों के मिक्स करने से रिएक्शन हुआ उससे NH3 प्रोड्यूस हुआ, और अब तुमको पूछा है देखो यहां पर अब लेबोरेटरी के अंदर जब हम बजाते हैं तो हमको जो सॉल्यूशन होता है उसका मोलेरिटी गिवन होता है, क्या जो सॉल्यूशन होता है उसका मोलेरिटी गिवन होता है, और
तुम ही सोच कर देखो, जब हम लेबोरेटरी के अंदर यही सब काम करेंगे तो जो वॉल्यूम है उसको ऐसा तो नहीं है कि एक टंकी पानी या फिर एक टंकी सॉल्यूशन ले लेंगे, नहीं, वहां पर हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो एमएल्स के अंदर लेते हैं। फिल्मों में लेबोरेटरीज में देखा होगा कि छोटे छोटे बीकर्स में वॉल्यूम हम लोग कंटेन करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो जो वॉल्यूम होता है वो जनरली एमएल के अंदर दिया रहेगा, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि अच्छा जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे और इनका कंसेंट्रेशन दिया है, मोलेरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, और तुमको इसका वॉल्यूम पूछा है कि इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो देखो तरीका तो अभी भी सेम है कि हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन हमारे पास दो दो तुम्हारे पास रिएजेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, उनका दोनों का कंसंट्रेशन दिया है। तो अब हम लोग यहां बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे आते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही देखने को मिलते हैं तुरंत छोड़ देते हैं, तो जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्यों है बेवकूफी? यहां पर इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता। क्या इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्योंकि मोलरिटी इन्वॉल्व हो गया तो बच्चा इसके मारे यही डर के मारे छोड़ देता है, तो ये चीज नहीं करनी है। क्या करोगे? मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोल्स कैलकुलेट करिए। क्या करेंगे? मोल्स। तो मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, इसके मोल्स कितने आएंगे बेटा? मोल्स के लिए हम लोग क्या करें, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना, 200, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए कितना आ गया, ये बेटा ये तुम्हारे पास आ गया 0.02 मोल्स। कितने मोल्स? 0.02 मोल्स किसके? अमोनियम सल्फेट के, बराबर है। ओके, NaOH के कितने मोल्स गिवन है तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, उसका मोलरिटी है 0.5 इंटू वॉल्यूम इसका 100 बाय 1000। 1000 से क्यों डिवाइड करी किया? ताकि वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर सके, लीटर के अंदर, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.05 दोनों के मोल्स आ गए। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल से जैसे तुम लोगों ने LR के क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो तुम्हारे पास रिएजेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, उनके मोल्स दिए हुए हैं, बताओ प्रोडक्ट में इसके कितने मोल्स, इसके कितनी वॉल्यूम जनरेट होगा, या फिर मोल्स जो भी, या मास जो भी चीज पूछा जाए, वो सारी चीजें कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखो मोल्स इसके ही पता है, दोनों के क्या है, मोल्स पता है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, LR निकालेंगे। LR कैसे निकालेंगे बेटा? मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक है, यहां पर 0.02 डिवाइडेड बाय 1, तो ये रेशियो कितना आएगा इसके लिए, 0.02, इसके लिए कैलकुलेट करो। तो यहां पर ये लीजिए थोड़ा रिएक्शन, ये लीजिए बैलेंस हो गया। अब 0.05 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा बेटा, 0.025। इन दोनों वैल्यू में कौन सा बड़ा होगा? LR कौन है? NH4 होल ट्वाइस SO4। LR कौन आ गया? अमोनियम सल्फेट, क्योंकि LR निकालना पहले बता चुका हूं। LR अगर तुम्हारे पास NH4 होल ट्वाइस SO4 है तो इसका मतलब जो भी हम रिएक्शन में बात करेंगे वो LR के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, एक मोल से 2 मोल NH3 का प्रोडक्शन होता है, बराबर है कि नहीं? एक मोल NH4 होल ट्वाइस SO4 से 2 मोल NH3 का प्रोडक्शन होता है, तो 0.02 मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, 2 इंटू 0.02 मतलब 0.04 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होंगे, हाँ है ना। लेकिन क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है STP के ऊपर। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, मोल्स ऑफ NH3, ये क्या होंगे, मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। तो पूछा क्या है, वॉल्यूम, बेटा एक मोल का कोई भी गैस का एक मोल हो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहां पर 0.04 का मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH वो कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी NaOH क्यों लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ NH3 वो कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू 22.4, ठीक है, लीटर। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस फालतू में बच्चे डरते हैं मोलेरिटी मोलेरिटी,
बहुत लोगों को परेशान करता है, क्लास 12th वाले को देखोगे तो उनको भी परेशान करता है ये चीज, तो ज्यादा डरने वाली बात है नहीं। ठीक है, एक काम करिए, अब अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मोलेरिटी, कैलकुलेट द मोलेरिटी, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 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 2.8 कंटेनिंग 2.8 कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 परसेंट डब्ल्यू बाय वी कंटेनिंग 2.8% डब्ल्यू बाय वी ऑफ के ओ एच ऑफ के ओ एच। क्या पूछा है यहां पर? के ओ एच का सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्टली मेंशन है के ओ एच का सॉल्यूशन है। और अब यहां पर अब क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन गिवन है किसके बारे में, 2.8% वेट बाय वॉल्यूम, बराबर है। पूछा क्या है? मोलेरिटी। अब देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा है, हाँ है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलती करते ही करते हैं। तो कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से सुनना, हम लोग इसके मीनिंग को लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, इसका मतलब क्या है, 2.8 ग्राम ऑफ के ओ एच प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 2.8% डब्ल्यू बाई वी का जो मतलब होता है वो ये होता है, हाँ है ना, 2.8 ग्राम ऑफ के ओ एच प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पूछा है हमको मोलेरिटी, यहां पर देखो मोलेरिटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, मोलेरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कौन है सॉल्यूट, के ओ एच है सॉल्यूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है। चलिए सॉल्यूट का यहां पर मास पता है, मास कितना है 2.8 ग्राम, अगर हमको मास पता है सॉल्यूट का तो मोल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि के ओ एच का मोलिकुलर मास हम लोग जानते हैं, के ओ एच का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होगा बेटा, पोटेशियम का 39, फिर हाइड्रोजन का 140 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम। तो यहां से मोल्स ऑफ के ओ एच कितने आ गए बेटा, उसका मास कितना गिवन है 2.8 ग्राम, 2.8 अपॉन 56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 ml, तो 100 अपॉन 1000, हाँ है ना। तो इसको सोल्व करिए कितना आएगा बेटा, ये आएगा तुम्हारे पास 10 ऊपर में चला गया, तो ये 1/20 ऊपर में 10, तो ये तुम्हारे पास आ गया 1/2 मतलब 0.5 मोलर, बराबर है कि नहीं, मोलरिटी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आई होप आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी निकालते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बीच में। देखिए मोलेरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का इन लीटर, हाँ है ना। एक काम करते हैं इसको मिटा देता हूं, देखना इसको मैं थोड़ा सा और सुंदर लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा, मोल्स को मैं क्या ले सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर मैं बेटा ये वॉल्यूम तुम्हारे पास ml के अंदर कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 1000 इनटू वॉल्यूम इन ml, सॉरी
वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, तो ml के अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने। देखो थोड़ा सा ध्यान से, मोलरिटी इक्वल्स टू 1000 को ऊपर में लेके गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर, ml के अंदर, इनटू 100 इनटू, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए 1000 को 100 इनटू 10 लिख सकता हूं, और नीचे में क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ध्यान से देखना, अब ये जो मेरे पास एक फॉर्मूला बना, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने। तो ये तुम्हारे पास देखो, ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर हो गया, मोलेरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर तुम्हारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, और तुमको क्या निकालनी है, मोलेरिटी, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में इसमें पुट भी कर सकते हो। हालांकि इस फॉर्मूले को मैं यूज करना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा, क्यों, बेसिक जो हमने डेफिनेशन से किया उससे चलोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम क्या लगभग 100% तुम्हारे करेक्ट होंगे। अगर फॉर्मूले तुम हर फॉर्मूले को याद करने बैठे तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलना है, बस ये मैंने एक ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव करवा दिया, कहीं पे अगर पूछा जाए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है तो तुम लोगों को डेरिवेशन करना आना चाहिए कि हाँ ऐसे फॉर्मूले को डिराइव करना है, समझे कि नहीं, बस पर्पज यही था, बाकी और कोई इसका पर्पज नहीं था। एक बार एक काम करते हैं, इसके अंदर पुट करके देखते हैं क्या इससे आंसर आता है कि नहीं। देखिए यहां पर मोलेरिटी कितना, फॉर्मूले में 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया था, 2.8, 10 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, वो कितना होता है, 56, तो डिवाइडेड बाय 56, तो ये देखो कितना आ गया तुम्हारे पास, ये पॉइंट हटाओ तो 10 बाय 10 इंटू 28 बाय 56, तो ये कितना आ गया, 1/2, मतलब 0.5 मोलर। देखो यहां से जो मोलेरिटी आया और यहां से जो मोलेरिटी आया दोनों सेम है, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर इस फॉर्मूले को भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है कि तुम याद कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वरना तुम लोग डायरेक्ट जो हमारे पास तरीका है कि इसका जो मीनिंग है उससे हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलेरिटी के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे अलग अलग टाइप के सारे हम लोगों ने कर लिए। तो जो ग्रुप ए के जो कंसंट्रेशन टर्म थे कौन कौन से, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलेरिटी, ये तीन कंसंट्रेशन टर्म हमारे खत्म हो चुके हैं, नॉर्मेलिटी को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप बी के जो कंसंट्रेशन टर्म हैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है।